हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आम सेंटेंस वाक्य केमती या तर बेसिक फैक्टर विषय जानवा कहीं आग को तुम जहाँ भी हायर स्टडी कर कि जॉब कर सबुरी इंग्लिश दरकार। जिते इंग्लिश तुम कष्ट भावुच से कष्ट नुहे, बहुत इजी अच्छे। सेंटेंस मेकिंग करने जो जो सब ग्रामर यूज हुए से विषय आम आज भल भाव बुझा कहीं तुम्हें सब तुम डेली लाइफ रे तुम घरे स्कूल रे सब टीचर माने इंग्लिश कहते तुम मैंने सेम चाह कि आम सेम इंग्लिश केमती कह लिखिपर सेंटेंस केमती या विषय आम आज भलसे बुझा। तो चलो सेंटेंस वाक्य कौन फर्स्ट जाणी नवा। देख सेंटेंस वाक्य कौन ना ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स A group of words together make a sense is called a sentence। यार अर्थ कौन ना गोटे group of words किसी शब्द मेचे शब्द मिसिकी जदि गोटे अर्थ प्रकाश करे make a sense माने जदि गोटे अर्थ प्रकाश करे ताले सेटा को हमें sentence कहिबा वाक्य कहिबा। कौन कौन सेंस तैयारी कौन सेंस ना देखो फॉर एग्जांपल ही राइस ईट्स एटा गोटे सेंटेंस की ए सेंटेंस रा अर्थ कौन ए सेंटेंस रा अर्थ किछि भी नहीं किंतु जदि आमे लेखिबा ही ईट्स राइस यार अर्थ है से भात खाए यटा गोटे कम्प्लीट मीनिंग देखेला माने अर्थ प्रकाश कला तेनालीटा को आम गोटे सेंटेंस बोली कहवा। तो सेंटेंस मेकिंग रे जो तीन टा बेसिक फैक्टर से तीन टा विषय आम आज भल से क्लियर हवा। देख सेंटेंस रे सब बेले तीन टा जिनस यूज हुए फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन किंबा प्रोनाउन हो पारे आमे जानते नाउन व्हाट इज नाउन नाउन कौन जोटा कि आम ओडिया कह विशेष्य विशेष्य कौन ना द टर्म व्हिच इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन एन ऑब्जेक्ट थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। यार अर्थ कौन ना गोटे पद द टर्म गोटे पद जहाँ कि इंडिकेट करे जहाँ दर्शाए कौन दर्शाए ना द नेम ऑफ ए पर्सन गोटे लोकर ना ऑब्जेक्ट जिनस थिंग भी सही जिनस इज कॉल्ड ए नाउन सेटा को विशेष बोली कहवा। फॉर एग्जांपल कौन एग्जांपल देख उदाहरण राम राम गोटे पर्सन र नेम पेन गोटे ऑब्जेक्ट चॉकलेट गोटे थिंग गोटे जिनस तो यटा को आम नाउन कही था। तापर आख भार भार आम पूरा फाइव क्लास रु पढ़ी आसार तीन टा फर्म जोटा कि पूरा इजी देख भार वन भार टू भार थ्री भार वन देख हूँ प्रेजेंट भार टू पास्ट भार थ्री पास्ट पार्टिसिपल कौन पास्ट प्रेजेंट कौन पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट हूँ जोटा कि वर्तमान पास्ट जोटा अतीत पास्ट पार्टिसिपल जोटा अतीतर अतीत मान जो पूरा घटी पूर्वर घटी ठीक अच्छे। यहाँ गला भार देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ कर्म कौन सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट आम बुझा गोटी गोटी प्रत्येक सेंटेंस रे सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट रही थाए कौन ना सब्जेक्ट हूँ आमर कर्ता भार हूँ क्रिया आ ऑब्जेक्ट हूँ कर्म किंतु ओडिया रे प्रथमे आसे कौन कर्ता तापर आसे कर्म तापर आसे क्रिया। तो प्रत्येक सेंटेंस रे सब्जेक्ट गोटे कर्ता जहाँ काम करुचि बा जहाँ एक्शन करुचि एक्शन कौन मन कर खाऊ कि सोउचि सेटा होची भार क्रिया जहाँ काम करुचि कर्म कौन ऑब्जेक्ट कौन ना ऑब्जेक्ट जहाँ पाई गोटे सब्जेक्ट जहाँ पाई काम करुचि सेटा होची हमर ऑब्जेक्ट बा कर्म ठीक अच्छे। तो सब्जेक्ट नाउन किंवा प्रोनाउन हो पारे नाउन आम भलसे बुझिले तापर प्रोनाउन प्रोनाउन कौन ना सर्वनाम नाउन बदल रे जे बसे सी हो सर्वनाम सर्वनाम कौन
सर्वनाम हो से ही सी दे ये सब हूँ आमर सर्वनाम तो सब्जेक्ट गोटे नाउन कि प्रोनाउन हो पाए भार विषय बुझे भार वन भार टू भार थ्री जोटा कि आम मूल रू पढ़ी आसजेक्ट विषय भी बुझिले तो तापर देख हेल्पिंग भार्व हेल्पिंग भार्व गोटे सेंटेन्स हेल्पिंग भार आम कमी चिन्हवा केमी जाणी आउ विदाउट हेल्पिंग भार भी आम सेंटेन्स कर देख हि इज ए बॉय हि इज ए बॉय यही सेंटेन्स प्रथम सेंटेन्स स्टार्ट कला बेले कैपिटल लेटर आउ एंड फुल स्टॉप रहा दरकार तो हि इज ए बॉय हि हूँ कौन सब्जेक्ट इज कौन इज हूँ हेल्पिंग भार्व हेल्पिंग भार्व ए कौन ना आर्टिकल बॉय हूँ ऑब्जेक्ट किंतु गोटे सेंटेन्स हेल्पिंग भार्व सहित भार्व रहा निरकार कितु जेहेतु ये भार्व नाही आमर तो हेल्पिंग भार्व हूँ ये मेन भार्व हेल्पिंग भार्व हूँ मेन भार्व बुझेगा सेमती आउ गोटे एग्जांपल देख दे आर फार्मर्स से माने कृषक तो दे हूँ सब्जेक्ट आर हूँ जोटा आमर भार्व बा हेल्पिंग भार्व किंतु एठी जेहेतु मेन भार्व नाही तेणु एटा हूँ आमर मेन भार्व फार्मर्स हूँ ऑब्जेक्ट बुझेगा तो विदाउट हेल्पिंग भार्व देख आम कमी सेंटेन्स तैयारी कर He eats rice. एटी हेल्पिंग भार्व अच्छे कि हेल्पिंग भार्व नहीं किंतु एटी मेन भार्व अच्छे ईट तेणु सेंटेन्स को इंटरगेटिव करवा माने प्रश्नवाचक 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 रे कौन आस हेल्पिंग भार्व नहीं तो प्रश्न करवा आम कौन यूज करवा ना डज डज कहीं आम जानते ही हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखे भार्व्रे कौन बसे एस किंबा ईएस लगे ठीक अच्छे तो एस किंबा ईएस लगे जदि आम प्रश्न करवा कौन आस डज आस कहीं भार्व्रे एस एस जोग होला तो डज ही ईट राइस जदि आपको आम नेगेटिव करवा माने नास्तिवाचक सेंटेन्स करवा कौन हम ना डजंट ही ईट राइस से भात खाए ना कि डज ही ईट राइस से भात खाए कि बुझेगा तापर आम पढ़ी सब्जेक्ट भार्व ऑब्जेक्ट तार किसी एग्जांपल ना जो थे कि तुम्हें भल भाव बुझीपार सब्जेक्ट कौन भार्व कौन ऑब्जेक्ट कौन ठीक अच्छे देख ये एग्जांपल किसी निहाई दे आर प्लेइंग फुटबॉल दे आर प्लेइंग फुटबॉल रे दे कौन सब्जेक्ट जोटा पढ़ी आसे सब्जेक्ट कर्ता आर कौन एटी ना हेल्पिंग भार्व प्लेइंग हूँ मेन भार्व फुटबॉल होची ऑब्जेक्ट बुझेगा तापर सेकंड सेंटेंस देखो आई ईट राइस एथरे कहो तुम्हें आई होची सब्जेक्ट ईट भर्ब राइस होची ऑब्जेक्ट सेमती नेक्स्ट सेंटेंस देखो वी डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम वी होची सब्जेक्ट डिस्कस्ड होची भर्ब अबाउट द एग्जाम होची ऑब्जेक्ट बुझेगा सेमती नेक्स्ट मिस्टर दास इज ए मेन मिस्टर दास कौन सब्जेक्ट इज कौन ना आमर हेल्पिंग भार्व किंतु जेहेतु ये मेन भार्व ना तेणु इज हूँ ये मेन भार्व यहाँ हूँ मेन भार्व एम भी लिख पारे आम ए हूँ आर्टिकल मेन हूँ ऑब्जेक्ट बुझेगा नेक्स्ट यू लुक लाइक एन एंजल गोटे सेंटेन्स अच्छी यू हूँ आमर एटी कौन सब्जेक्ट लुक भार्व लाइक एन एंजल हूँ ऑब्जेक्ट बुझेगा तो सेंटेन्स आम कौन कौन आम डिस्कस कले सब्जेक्ट भार्व ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हेल्पिंग भार्व यही सब विषय डिस्कस कले सेंटेन्स केमी तैयारी करा जाए सेंटेन्स बेसिक फैक्टर से सब विषय जानलु बुझिलु तुम्हें वीडियो को भल से शुण एगेन जब न बुझ आउ थे शुण तापर जा लेख नोट सब लेख किंतु या पूर्व तुमको किसी वार्ड शिखापी पड़े कि भोकाबुलरी शिखापी पड़े कहीं आग को आम जहाँ भी पढ़ा टेन्स तुम सिलेबस टेन्स अच्छी मॉडल्स अच्छे सब अच्छी से सब जहाँ भी पढ़ा शिखबारे सहज हे ठीक अच्छे।